विमुद्रीकरण के बाद लोगों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम से ख़रीदारी करने की, यानी लोग अब प्लास्टिक मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग काफ़ी खुश भी हैं। डीडी न्यूज़ से बात की कुछ लोगों से, आइए देखते हैं। विमुद्रीकरण के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ख़रीदारी कर रहे हैं, यानी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक दुकान में हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय इस पे। सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी किस चीज़ से करते हैं? क्या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेबिट कार्ड से करता हूँ। और ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का, बहुत अच्छा अप्रोच है और लोगों को डेबिट कार्ड को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही खरीदारी करती हैं? हाँ जी, हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही यूज़ कर रहे हैं और कैशलेस हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का साथ है, समर्थन है पूरा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही खरीदारी करते हैं? मैं तो पहले भी करता था और अभी भी वैसी। हमारे साथ एक और ग्राहक हैं जो उनसे बात करते हैं। क्या सर, आप जो अब खरीदारी करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? मैक्सिमम टाइम आई यूज़ माई डेबिट कार्ड बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड दैट इज़ वेयर माई सैलरी इज़ क्रेडिटेड। क्या आपको लगता है कि ग्राहक जो आपको आपके पास आते हैं वो किस चीज़ से खरीदारी ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं? कार्ड ही हमारा ज़्यादा चलता है, कार्ड पेमेंट ही ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम लोग आजकल कार्ड ही बाइंग करते हैं, अपने साथ कार्ड ही पेमेंट करते हैं। तो देख रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कार्ड से अपनी खरीदारी कर रहे हैं। मैं भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ। हमारे कैमरामैन राजेश रिक्की भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही खरीदारी करते हैं और हम समझते हैं कि आप भी करते होंगे। अगर जो लोग नहीं करते हैं उनको भी खरीदारी ऑनलाइन करनी चाहिए या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करेंगे ताकि उनको एटीएम और बैंक के जो लाइन है उससे लगने से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।